अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लैपटॉप के लिए टेबल कैसे बनाना है। मेरा टेबल तो बना है लेकिन मैं इसको रिपेयर करूँगा, लेकिन आप लोगों को बताऊँगा कि लैपटॉप के लिए टेबल किस तरह बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग। ये इसका बेस जो है ना, ये चीज़, ये देखिए, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इस पर थोड़ा भी जोर आ जाए ना तो सारा टूट गया था। तो अभी मैंने इसको एज अ सिंपल ले लिया, यहाँ से एक खोल के ये सारे टूट गए हैं इधर से, ये देखिए इसको सारे टूट गए हैं। ये एक मैंने एज अ सिंपल ले लिया सैंपल, और अभी इस तरह लोहे का बनवाएंगे मुबशर भाई से। तो बस चलिए चलते हैं मुबशर भाई के दुकान में और फिर मिलेंगे वहाँ पर। हाँ, ये मुबशर भाई की दुकान में आया था, ये चीज़ यहाँ पर बना रही, और यहाँ पर एक और मेहमान आया। तो मुबशर भाई से तो आप मिले हैं, लेकिन आज ज़हर भाई से मिले। ज़हर भाई क्या है? ये हम जो है, मैं मुबशर भाई, ज़हर भाई, ये हम सारे कॉलेज के जो है मैट्स है ना। तो आज जो है ज़हर भाई भी बहुत दिनों बाद आए हैं, तो इनको देख के बड़ी खुशी भी हुई है और क्या हुई, खफगान भी हुआ है, क्योंकि यार बस आज छोटा सा मसला हो गया है। तो बस हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो गया। ये तो इन्होंने बना लिया, वो तो मैं भूल गया था, उस वक्त में हम गप शप में लगे हुए थे। तो बस ये वो तो उन्होंने बना लिया वो चीज़ें, फिर आपको घर में दिखाऊँगा, सही है। और ये मुबशर भाई आपने शागर अपने साथ आ जाएगा, पैसे दे ना इनको, पैसे दे ना बात में, आप चले जाओ। हम नहीं मांगते तुमसे, चलो। तो बस फिर घर में मिलते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो। तो मुबशर भाई की दुकान से ये चीज़ें लाया हूँ, अभी ये वहाँ पर बनाई है, अभी ये भी खोल के आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये सैंपल लेके गया था वहाँ पर, ये और ये चीज़ लेके आया हूँ इसके बदले, सही है। ये चीज़ बना लिया है, और ये कुछ वार्शल मार्शल भी मुबशर भाई ने दिए हैं, ये कहते हैं ये यूज़ होंगे तुम्हारे, ले जाओ। बहुत सारी चीज़ें दी है। अभी इसको क्या करते हैं, अभी इससे ये पुरानी चीज़ें ना पहले खोलते हैं, ताकि नए पेड़ लगाएंगे। कील मिल यार, हम जब कोई चीज़ खोलते हैं ना तो फिर उसमें तीन चार ये कील नहीं है, ये ज़्यादा हो जाते हैं, कंपनी से ज़्यादा आते हैं। वैसे में कंपनी वाले नहीं हैं, इनको समझ नहीं आती,
चीज़ें ज़्यादा लगवाते हैं। तो अभी ये कील में खोल रहे हैं और ये मैं तो सिर्फ ये बेस जो है ना, ये पाँव वाले बेस नहीं है, मैं तो इसको तब्दील कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर नया बनाना है तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ अभी कि आप लोगों ने किस तरह बनवाना है। मैं अभी आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तो अगर आप लोगों ने अपनी नया मेज़ बनाना हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ बनाना है। ये देखिए, ये सिंपल जो है एक पाइप है, सही है, ये मेरे ख्याल से आधे इंच का इस का जो है डाया है। तो पाइप लेके इसको इस तरह पाँव के डिज़ाइन पे ना इसको बेंड कर दें, फिर उसके लिए ये चीज़ बनाना है। ये देखिए, ये सिंपल चीज़ बनाना है और ये पाँव को इधर देके इसमें डाल के सिंपल इस पे डाल के इधर कील लगवा के बस सिंपल काम ख़त्म। और ये एक प्लाई बोर्ड लेना है या वो क्या कहते हैं लेमिनेशन वाला शीट आप लोगों ने लेना है। ये इसका कितना है यहाँ पर, एक दो, ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये होगा 1.5 फुट ज़रबे 2 फुट, 2 फुट इसकी चौड़ाई है, लंबाई है 2 फुट इसकी लंबाई है और 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है। और अगर ये चीज़ लगवाना है इधर सुराख करके सिंपल एक गिलास रख लो, बड़ा जुगाड़ी काम करो जुगाड़ी, सिंपल एक गिलास रख के, और नहीं तो ये वो पेन होल्डर नहीं होता, पेन जिसमें बाल पॉइंट्स वगैरह रखते हैं स्कूलों में और दफ्तरों में, वो चीज़ कहाँ से लेके उसको इधर बस रख दो। इस तरह है कि इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल जाए और ऊपर से ये हो गया हमारा, अभी भी थोड़ा लूज आ गया लेकिन चल गुड हो गया। तो ये हो गया जनाब हमारा टेबल रेडी। अभी इसको टेस्ट करेंगे, नीचे से हटो, पीछे से हटो, आगे से हटो। अभी थोड़ा सा इस पर लैपटॉप रख के टेस्ट करते हैं कि क्या हो गया, सेट हो गया कि नहीं। बिल्कुल सेट हो गया जनाब, ये सेट हो गया। तो मुबशिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरा ज़बरदस्त काम किया है। और बस इधर ही अपने आज के ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा काम दिखाया आज। तो इधर ही अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।